हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एक बहुत ही मजेदार खबर लेकर आऊं सभी के लिए। आइए कुछ खबर से रूबर करवाते हैं। दोस्तों, यह खबर आसाम से आ रही है, जहां पर एक विश्वनाथ जिले की एक दुकान के मालिक ने वहां से एक लड़की को कथित तौर पर दुर्व्यवहार करते हुए अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस लड़की ने बुरखा नहीं बल्कि जींस पहन रखी थी। घटना विश्वनाथ चिरियाले में एक मोबाइल फ़ोन की स्टोर की है, जहाँ लड़की एक जोड़ी ईयरफोन खरीदने के लिए गई थी। दुकान के मालिक नरुल अमीन ने केवल उसे सामान देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसे कथित तौर पर अपमानित करके भी उसे वहां से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद उसे कहा कि यहां पर वापस ना आए कभी भी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने कहा कि जब वह दुकान में पहुंची तो वहां पर दुकानदार, जो कि बहुत ही बुजुर्ग था, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और फिर मुझे दोबारा आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। बुजुर्ग अपने घर में ही अपनी दुकान को चलाता है और उसके परिवार में से भी उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझसे कहा कि अगर वो जींस पहनकर उसके घर में आएगी तो फिर उसके घर में उनकी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी घर में उनकी बहू बेटियां बुरखे में रहा करती। लड़की ने घर लौटकर पूरी प्रकरण अपने माता पिता को बताई, जिनके साथ साझा किया। उसके पिता ने दुकानदार के मालिक से दुर्व्यवहार करने की शिकायत करी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके पिता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। लड़की ने दावा किया है कि बुजुर्ग के दो बेटों ने उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला भी किया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे जांच अभी चल रही है। इसकी जांच के बारे में हमारे पास जो भी डिटेल आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, और उसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।